दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में, असेंबल सीपीयू। असेंबल सीपीयू होता क्या एक्चुअली, हम इसका फुल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो कल ही हम इसको असेंबल कराए हैं और आज इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि क्या है। पहले इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं फिर खोल के। इसको टाइम से कर देंगे, चाबी से मैंने कर रहा था, इसको साइड में हमने रख दिया। इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, तो हम निकालना पड़ेगा इसको। तो कैसे निकलता है, ये डब्बा को हम साइड में रख देंगे और बारी बारी से इसके बारे में हम जानेंगे कि ये असेंबल कौन कंपनी का है और क्या है, कौन कौन सी इसमें कार्ड लगा हुआ है, हर एक कोड के बारे में हम इसको बताने वाले हैं। कैमरा पास में थोड़ा करिए, समझ में आएगा। इसको हम कवर निकाल लें, इसको हम पास में रखते हैं। पैकेट आराम से होता है ताकि कहीं गिरे तो इसका तार और ना छोड़े, ताकि लाइट आने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा हमारा सीपीयू, इसको सोच पोजीशन में इसको ऐसे रखते हैं, पोजीशन में इसको ऐसे रखते हैं जो आपके सामने सीपीयू है। यहाँ पे ग्राफिक लगा हुआ है नीचे, ये जो मदरबोर्ड का ये लगा है, ये इसका पावर सप्लाई का की है। बाकी हम आपको खोल के भी दिखा देते हैं। चलिए इसमें आइए, कैमरा पास में करिए। ये रहा हमारा, ये हमारा के मदरबोर्ड रहा, ये हमारा ग्राफिक रहा। ग्राफिक हमारी कौन सी कंपनी का है ये हम दिखा दें, ग्राफिक हमारी कौन सी कंपनी का है ये हम दिखा दें आपको। देखिए एनवीडिया कंपनी का है, यहाँ पर आ रहा है आपको, यहाँ पर एनवीडिया कंपनी का है आपको, यहाँ पर आ ही रहा होगा ग्राफिक कार्ड। ये मस्त ग्राफिक कार्ड है और ये 2GB का है। तो बाकी हम इसका रिव्यू हम पीसी पर करेंगे तो बताएंगे कुछ ऐसा से। ये मदरबोर्ड है आपका जिबोनिक का, ये फोनटेक्स का, ये भी इसमें मिलता है ये है। बाकी ये प्रोसेसर HDMI SSD ये है, इसको असेंबल करना काफी है। और ये रैम हमारा ये 8GB का है और बढ़िया वाईफाई भी मैंने लगा लिया है। बाकी ये बहुत अच्छा है हमारा सीपीयू, और मॉनिटर अभी तक आया नहीं, तो मॉनिटर जैसे आएगा हम उसका रिव्यू करेंगे। और हल्क में भी ये बहुत मतलब हल्क है, यानी कोई भारी है, इसका वेट 2 kg है। तो ये सीपीयू हमारा मतलब बेस्ट है असेंबल। मैं इसमें क्या क्या डाला हूँ आपको इनबॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका फुल अनबॉक्सिंग मैं दे दूंगा। तो ये मुझे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये अभी हम इसको लाइट चालू करके और आपको दिखाते हैं कि क्या है, लाइट आने पर कैसे जलेगा। तो दोस्तों आप देख सक रहे हैं कि हम यहाँ पर लाइट दे दिए हैं, लाइट देने के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे है जो इसका पावर सप्लाई, आपको बता दें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको समझा दें। देखिए आपको मैं बता दें, ये जो पोर्ट है ना, ये आपको ये VGA है, ये HDMI ये पोर्ट है, इसमें आप लगाइएगा मॉनिटर का। तो यहाँ पे है ग्राफिक से जाएगा तो आपका डिस्प्ले अच्छा दिखेगा, यहाँ पे लगाइएगा तो फिर ग्राफिक से कंटेक्ट नहीं हो पाएगा तो डिस्प्ले अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर ना करें, हमारा सजेस्ट करता हूँ आपको यहाँ पर करें। ये हमारा वाईफाई रहा, गुड कंडीशन है इसका भी, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी बहुत कमाल का है ऑनर्स, बाहर से इधर देख सकते हैं लुक इसका, लाइट जल रहा है, लाइट जलने से पता चल जाएगा सीपीयू के बारे में। मस्त है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सीपीयू और मैंने असेंबल किया। और आप खरीदना चाहते हो तो हम जो जो लगा है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप नोट करके और किसी दुकानदार से जाकर बता सकते हो कि ये है हमारा, मस्त है, एनवीडिया का ग्राफिक है, बहुत मस्त, वेरी गुड। तो आप किस बात की है दोस्तों,
और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय। बाकी अब कंप्यूटर का जो पीसी मैंने बाय कर रखा है, डिस्प्ले यानी कि उसको मॉनिटर बोलते हैं, वो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वो आने वाला है 10 तारीख को, उस दिन ही उसको अनबॉक्सिंग कर दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।